देख रहे हैं खबरों का नया पैमाना, भोजपुर का अपना चैनल भोजपुर की आवाज। भोजपुर की आवाज न्यूज चैनल के नेशनल कोरोना बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले मुख्य अंश। भारत में 24 घंटों में कोविड 19 के 78,512 नए मामले। कोरोना संक्रमण से 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में बीते 104 दिन में सामने आए कोरोना के 35 लाख मामले। अब खबर विस्तार से। भारत में रोजाना आने वाले कोविड 19 के मामलों में तेजी का सिलसिला बरकरार है। सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमितों की संख्या 36,21,245 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में नए मामले 78,512 सामने आए हैं, वहीं 971 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 64,469 हो चुकी है। देश में इस वक्त कोरोना के 7,81,975 मामले एक्टिव हैं। पिछले 24 घंटों में 60,868 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि इस वायरस को अब तक कुल 27,74,801 लोग मात देने में कामयाब हो चुके हैं। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 36 लाख के पार पहुंचने में 214 दिनों का वक्त लगा है। पहले लाख होने में 110 दिनों का वक्त लगा था। इसके बाद करीब 104 दिनों में करीब 35 लाख मामले सामने आ चुके हैं। पिछले कई महीनों से दुनिया भर में आतंक मचा रहे कोरोना वायरस और उससे फैलने वाली महामारी यानी कोविड 19 के पहले 1 लाख पुष्ट मामले भारत में 110 दिन में सामने आए थे, लेकिन फिर रफ्तार बढ़ती गई और अब देश में 1 लाख केस सिर्फ 1-2 दिन में जुड़ते जा रहे हैं। भारत को 36 लाख पुष्ट मामलों का आंकड़ा पार करने में कुल 214 दिन लगे हैं। आज के कोरोना बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। प्रदेश के साथ स्थानीय खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।